नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं प्राउड फार्मर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगल बगल हमारा खेत है, इधर मिर्ची का खेत लगा हुआ है। इस तरह से मिर्ची में जो है हैवी प्रोडक्शन अभी है। देख सकते हैं आप, फल कितना ज़्यादा लगा हुआ है मिर्ची में फल अभी। और इधर लगा हुआ है हमारा बैंगन, जो कि 2 एकड़ के एरिया में लगा हुआ है। और ये है मेरा बाइक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राउड फार्मर यूट्यूब चैनल में बाइक का व्यू क्यों दिखाया जा रहा है। तो मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ, इस मेरे बाइक का पीछे कहानी है जो उसको सुनाने वाला हूँ आपको, कि इस बाइक को मैं कैसे लिया, कितने में लिया, इस बाइक में क्या क्या इसका अच्छा है, इसका क्या क्या बाइक का बुरा है। जो बाइक को आप देख सकते हैं, ये R15 यामाहा का है, R15S मॉडल है, जो कि मैं मिर्ची और बैंगन का खेती करके लिया हूँ इस बाइक को। जो कि एक बाइक सेकेंड हैंड लिया हूँ मैं, जिसका मुझे मार्केट में जब इसको लिया हूँ मैं, तो मुझे 80,000 रुपये में बाइक मिला है, जो कि लगभग 28,000 किलोमीटर के आसपास बाइक चला हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जो है बाइक 31,700 किलोमीटर चल चुका है। इसको मैं लगभग 3,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इस बाइक के बारे में जो भी खूबी है और जो भी इसका डिसएडवांटेज है, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। और मैं बताऊंगा कि आप खेती करके भी अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग खेती की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो बाइक है उसका रिव्यू देंगे, इस बाइक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बाइक को अच्छी तरह से देख लेते हैं चारों तरफ से। बाइक में क्या है जो आप देख सकते हैं, इसका जो साइड लाइट है इसको अलग से हम लोग मार्केट से लगवाए हैं, और जो इसका लाइट गार्ड है इसको अलग से लगवाए हैं। इस कंपनी द्वारा इस तरह से फिटिंग नहीं आता है, दूसरा रहता है इसका। इस तरह से इसका ये साइड है बाइक का, इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि एक रेसिंग बाइक है। और इसमें जो है आपको लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से बाइक यहाँ पर डेल्टा बॉक्स लिखा हुआ मिलता है आपको। पीछे जो है फिर से यामा की बेजिंग, और इधर फिर से डेल्टा बॉक्स लिखा हुआ है। इसका साइलेंसर, पीछे डिस्क, दोस्तों बाइक जो है दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, जो कि सभी युवाओं के दिल की तमन्ना रहती है रेसिंग बाइक। वैसे बाइक का जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है, जो कि इस रेट में और इसका माइलेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बाकी रेसिंग बाइक की तुलना में। तो मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल बाइक है, जिसको कोई भी आदमी खरीद करके इसको यूज कर सकता है। दोस्तों इस बाइक का जो है कलर ही एकदम प्रीमियम कलर में आता है बाइक, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसका फ्रंट से आप देखेंगे तो बाइक इस तरह से दिखता है। इसका मैं दोनों लाइट ऑन कर देता हूँ पहले। इस तरह से इसमें डबल लाइट मिलता है, यहाँ से जो है एक लाइट बंद हो जाता है, सिंगल लाइट में भी आप इसको चला सकते हैं। जो है 150 cc के होने के कारण इसमें बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज मिलता है। मैं अभी लगभग इसको 3,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और इस H6 गेयर बॉक्स वाला बाइक है, जिसके कारण से हमें आराम से 40 से 45 का माइलेज आराम से मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है स्पोर्ट बाइक के हिसाब से। बाइक देखने में दोस्तों बहुत ही हैवी बाइक दिखती है, जो कि 250 से 300 cc के आसपास लगती है, लेकिन बाइक जो है सिर्फ 150 cc की बाइक है, जिसके कारण से बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल देती है। दोस्तों जो है जो इसका जो है सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, जिसमें जो है आप आराम से बैठ सकते हैं। जो और R15 के V1 V2 वर्जन आता है, उसमें इस तरह से अफोर्डेबल सीट नहीं रहता है। ये जो S मॉडल है इसका सीट बहुत ही अच्छा है, जो कि बैठने में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लगता है, जिससे आप आराम से बाइक को चला सकते हैं और पीछे बैठने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका सीट इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, जो कि इस तरह सीट होने के कारण ही मैं इस बाइक को ख़रीदा हूँ। अगर जो V1 और V2 की तरह इसमें भी सीट रहता तो इस बाइक को शायद मैं नहीं लेता, लेकिन ये बाइक जो है इस सीट के कारण इसको मैं ज़्यादा करके ख़रीदा हूँ। दोस्तों इस तरह से उसका फ्रंट लुक है, इसमें चाबी आप जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर आपको मिल जाएगा, जिसमें जो है फ्यूल और जो किलोमीटर के हिसाब से RPM का सब दिखता है। इस साइड आपको पास लाइट और जो है अपर डीपर ऑप्शन मिलता है, ये जो है साइड लाइट का ऑप्शन है। इधर से इधर जो है आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन और जो है सेल्फ है। इस तरह से आपको सामने में देखने को मिलता है।
ओवरऑल दोस्तों बाइक में कोई भी कमी नहीं है, बस इसका जो है लाइट जो है नाइट में जितना इसको परफॉर्मेंस देना चाहिए उस हिसाब से इसका, इस बाइक का दोस्तों बस एक ही डिसएडवांटेज है जो कि है इसका लाइट, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसका जो है फोकस नाइट के टाइम में आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है जैसा कि आप बाइक के हिसाब से सोच रहे होंगे। इस बाइक की बस यही कमी है और इसमें कोई भी इस बाइक में कमी नहीं है दोस्तों, बाइक ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस बाइक को ख़रीदने का मन बना रहे होंगे तो बिल्कुल इसको आप ले लीजिए, बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है।